क्योंकि हुण तक असी 26478 दे नेड़े तेड़े सरकारी नियुक्ति पत्र वंड चुके। हुण किते इत्थों जा के ये ना समझ लो भी आह काम तो बन गया, हुण बादली दा जगाड़ करिए, घर दे नेड़े आईए। सो पहले तो जिथे काम मिलता है उत्थे काम कर लो, उत्थे भी उही लोग होणगे। जिन्ना असी कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं कि वध तो वध दफ्तरां च भी सरकारी कागजां च भी बोलण च भी पंजाबी जिहड़ी है उन्हूं पहल दित्ती जाए। असी 21 तरीक तक कहा सीगा कि लगा लोगे तो बहुत वधिया, अज तो बाद असी एक मुहिम चलावांगे कि फर्ज कर लो कोई दुकानदार है, छोटा है दुकानदार है, जो वह बोर्ड नहीं लगवा सकता, पैसे लगते हैं, पंजाब गवर्नमेंट वालों असी वह बोर्ड लगवा देंगे पंजाबी। तो सानू कोई पंजाबी बोलने दे विच हिचकचाहट जां अपने आप नू यह नहीं महसूस होना चाहिए यार मैनू पता नहीं देसी समझणगे। जदों भी कोई प्लेन क्रैश हुंदा जहाज डिगदा खबर पहली यह आउंदी है 2:33 से इहदा जमीन नालों राबता टुट गया। जिहदा जमीन नालों नाता टुट जाए वह कितने ना कितने फिर टुकड़िया च ही आउंदा। तरक्की करन लई जिहड़े मर्जी मुल्क जाओ तुहानू मौके मिलदे ने, दुनिया अजकल एक पिंड बन गई पर नाल अपनी मां बोली रस्मां भुल गए। सो जे तुसीं पैसे दे के रिश्वत दे के अपनी नौकरी ते लगे होंगे तो तुहानू उहनां दीआं समस्यावां प्रति कोई दर्द नहीं होगा। तुसीं कहोगे जी कोई गल नहीं इसे काम करन नूं बैठे हाँ इन्ने लगणगे, क्योंकि तुसीं सब तो पहले तो पूरे करने ने ना। बहुत सारे बंदे ने जिन्हां कोल बहुत पैसा है, अफसर ने बहुत, पोलिटिशियन ने बहुत पैसा है, आप नूं भी नहीं पता किन्ना पैसा है, पर फिर भी एक साइकोलॉजिकली सिकनेस होगी आ भी लैन आ भी मेरे को हो गया आ भी मेरे को हो गया कि अपनी कमाई जी होंगी है वह सुकून ही हो रहा। अपने पैसे जोड़े कमा के खाने सुकून ही हो रहा और सुकून की पूरी दुनिया की किसी करंसी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे वर्गे कमले को किसी ने पूछा जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम कार ही ला लेंदा हूँ तक तू मेरा मित्रा पैसे बहुत कमा लेंदा, पैसे नाल पोजिशन बनती कोई कारोबार चला लेंदा, धनिया की सूची में तू भी अपना नाम लिखवा ले। अगे फिर जवाब आया कहिंदा गल तां तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लैंदा, धनिया की सूची विच मैं भी अपना नाम लिखवा लैंदा, पर रुखां नाल छावां मिटदियां यह समा सब नूं ढा लैंदा, किन्ने धनी हो तुर गए कौन किसे दा नाम लैंदा, कौन लिखदा फिर सच्ची गुरबाणी जे नानक हट्टी पा लैंदा। कि हुण तक असीं 26478 दे नेड़े तेड़े सरकारी नियुक्ति पत्र वंड चुके हैं। कईयां दे विच पोस्टिंग जां स्टेशन दी थोड़ी बहुत डिले हो जाती है कागजी कार्रवाइयां ने, पर यह नहीं हैगा कि तुहानू कोई हटा दूगा इत्थों। पोस्टिंग ते स्टेशन मिलने च कई बारी कुछ फॉर्मैलिटीज ज़्यादा होती हैं सरकार दी, असी कोशिश करते हैं कि वो छेती हो जाए उनका रास्ता सौखा कर लिए। सारे जिले तो होंगे लगभग पंजाब के वक् वक् कोने कोने तो होंगे। हुण मेरी एक बेनती है, मैं हर बार बेनती करदा, शायद तुसीं कितें सुन भी ली होनी किसी मेरी स्पीच दे विच कि हुण नौकरी मिल गई, असी कोशिश साड़ी गवर्नमेंट वालों और सारे अधिकारीगण बैठे ने, जिम्पा साहब बैठे ने जिहड़े कि मिनिस्टर ने रेवन्यू दे, हुशियारपुर तो MLA ने, अनुराग अग्रवाल जी बैठे ने एडिशनल चीफ सैकटरी ने कोऑपरेशन डिपार्टमेंट दे, DK तिवाड़ी जी बैठे ने प्रिंसिपल सैकटरी ने DWSS पंजाब दे, बिमल कुमार सेतिया जी ने। सो ये सारे अफसर बहुत सख्त मेहनत करके अपने बलबूते ते अपने ज्ञान ते अपने बुद्धि दे टेस्ट दे के बड़े बरीक झारनियां चो लंघ के इन्हां पोस्टां ते पहुंचे ने। सो इन्हां नूं भी पता है कि मेहनत की हुंदी है, आम घरां चो उठ के आए ने बहुत सारे। सो मेरा हुण तुहानूं इक्को बेनती रहेगी, हुण कोशिश साडी इह है कि घरां दे आस पास ही जिहड़े पिंड च रहिंदे उहदे नेड़े तेड़े दे किलोमीटर च ही तुहाडी पोस्टिंग हो जाए, तो
फिर भी कई बार उत्थे नहीं जिहड़ी वैकेंसी हुंदी तां किते होर भी थोड़ा दूर जाना पै सकदा। हुण किते इत्थों जा के ये ना समझ लो भी आह काम तो बन गया, हुण बादली दा जगाड़ करिए, कोई घर दे नेड़े आईए। हुण सो पहले तो जिथे काम मिलता है उत्थे काम कर लो, उत्थे भी उही लोग होणगे ते एक्सपीरियंस होगा थोनू एक वक्रे खिते का। अपने आपके पिंड रहने ही अपने मामिया चाचिया भूआ नानके सारे अपने 15-20 किलोमीटर के रेडियस ही होंगे ने, अपने उत्थी रिश्तेदारियां होंगे सारिया, उत्थे तो रहने ही आप सारे। देखो थोड़ा जहा किसी होर खिते जाके काम करने का मौका मिलेगा, उसका कल्चर भी समझ में मौका थोड़ा मिलेगा, कुछ होर डिफरेंट गल्ल हो, नॉलेज शेयरिंग होगी, उधर की करते लोग, इधरले लोगों की मांग है, उधरले लोगों की मांग है, बहुत कुछ थोड़ा पंजाब के ही रंग बहुत सारे मिल जाएंगे। दुआबे की बोली होर है, माझे की बोली होर है, मालवे की बोली होर है, समस्यावां होर ने। सो पर है तुसी साडे पंजाब सरकार दे परिवार दे मैंबर हो। अज खास तौर ते विशेष दिन है, अज एक अज दुनिया भर दे विच मां बोली दिवस मनाया जा रहा। जिहड़े जिहड़े भी खिते दुनिया दे विच जिहड़ी जिन्नी भी बोलियां ने उन्हां दा अज दिवस मनाया जा रहा। सो अपनी मां बोली पंजाबी है और असी सरकार वल्लों जिन्ना असी कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं कि वध तो वध दफ्तरां च भी सरकारी कागजां च भी बोलण च भी पंजाबी जिहड़ी है उहनूं पहल दित्ती जावे। बोर्ड भी जिहड़े ने दुकानां दे असी 21 तरीक तक कहा सीगा कि लगा लोगे तो बहुत वधिया, बहुत सारे बड़े बड़े जिवें KFC ने पंजाबी च ला लिया, नायकी वाले ने पंजाबी च लिख लिया, बर्गर किंग वाले ने पंजाबी च लिख लिया, होर बहुत सारे दुकानदारों ने पंजाबी च लिख लिया। अज तो बाद असी एक मुहिम चलावांगे कि पंजाबी दे विच उपर पंजाबी लिख लो, थले जोड़ी जिहड़ी मर्जी लैंग्वेज लिख लो, सानू कोई किसी भाषा नाल कोई असी नफरत नहीं करदे। अज तो बाद असी एक मुहिम चलावांगे कि फर्ज कर लो कोई दुकानदार है, छोटा है दुकानदार है, अंग्रेजी च लिख के उहदा जिहड़े कोई आपदी कंपनी वाले कई बार कंपनी वाले अंग्रेजी च लिख के दे दें बोर्ड ला जाते हैं, अपनी अपनी पब्लिसिटी हो जाती उन्होंने, जो वह बोर्ड नहीं लगवा सकता पैसे लगते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट वालों असी उहदा बोर्ड लिखवा देंगे पंजाबी दे विच। फिरोजदीन शरफ बहुत आला शायर हुए ने, बहुत उगे शायर पंजाबी दे, उन्हां दी लाइनां ने मैं पंजाबी पंजाब दे रहण वाला हाँ, मैं पेंडू पर शहरी ढंग दा हाँ, मैं पंजाबी पंजाब दे रहण वाला हाँ, मैं पेंडू पर शहरी ढंग दा हाँ, बोलां उर्दू हिंदी भी खूब समझां, कदे कदे अंग्रेजी भी अंग दा हाँ, मां बोली नू सदा प्यार करां, ये गल आखण तो कदे ना संगदा हाँ, मोती किसे सुहागण दी नथदा हाँ, टुकड़ा किसे पंजाबण दी बंगदा हाँ। सो एहो जिहियां पंजाबी च शख्सियतां पईयां ने जिन्हां ने पंजाबी मां बोली वास्ते बहुत कुछ दिता। सो सानू कोई पंजाबी बोलण दे विच हिचकचाहट जां अपने आप नू ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਸਮਝਣਗੇ ਇਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਹਰ ਬਣੂਗੀ। ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ मैं अपनी मां बोली विच बोल रहा, एक अंग्रेज मेरे ना अंग्रेजी च बोल रहा है, मैं अपनी मां बोली च बोल रहा तो मैनू कल्ले नू ही अनपढ़ जा जाहिल क्यों समझा जा रहा है, जबकि वो आपदी मां बोली बोल रहा है, मैं अपनी मां बोली बोल रहा, मावां च तो कोई फर्क नहीं हुंदा ना, मां तो मां है।
सो पंजाबी बोलन वेले झिझकना नहीं और लिखती भी बहुत घट गया हुण साडे रिवाज ही घट गया लिखती दे विच गलतियां जज्जा जज्जे दे पैर च बिंदी किधर गए हो जदों जिहड़े रट्टे लवाए जांदे सी सानूं 35 अक्खरां दे जां पहाड़ियां दे सो हर चीज़ कंप्यूटर ने ले ली कि कंप्यूटर मैं दो अक्खर पा दूंगा बाकी कंप्यूटर दे दूंगा सो आपां कंप्यूटर ते ना छड्डीए जिहड़ा परमात्मा ने आपां नूं कंप्यूटर दित्ता होया ना सिर दे विच उहदी मैमरी च पाईए आपां पंजाबी फिर नहीं कोई कढ सकदा फिर चोरी नहीं हो सकती दूजा कंप्यूटर तो हैंग भी हो जाता है दूजा कंप्यूटर तो स्टक हो जाता है सो पंजाबी बोलन लई तुसी सारे परिवार नूं भी दोस्तां मित्रों पंजाबी बोल के अपना माण वधदा है कि असीं पंजाबी हाँ मैनूं कई पत्रकार कई बार पुछ लैंदे ने की कहना चाहोगे जी मैं कहा जी जदों मैं जम्मिया सी उदों लोरियां भी पंजाबी च मिलियां सी जदों दुनिया तो जावांगे वैन भी पंजाबी च पैणगे जदों जम्मण तो लैके मरण तक नाल पंजाबी ही चल रही है फिर होर भाषा बारे असीं किवें सोच सकदे सिख लो सीखण च कोई हर्ज नहीं फ्रेंच का कोर्स कर रहे बहुत सारे बच्चे जर्मन सीख रहे हैं सीखण च कोई हर्ज नहीं कोई दुनिया भर की कोई लैंग्वेज सीखनी सीख लो पर पंजाबी बोली की कीमत तो नहीं सीखो कि मैं पंजाबी छड़ देना मैं आ कर लूँगा ये मैं वीज़ा मिल जूगा सो हुण तां पूरी दुनिया च पंजाबी वसदे ने हुण तां मैनूं लगता नहीं कि पंजाबी बोलण वाले नूं दुनिया भर च कोई लैंग्वेज की कोई भाषा की प्रॉब्लम आती हो जिथे मर्जी जिन्हों खड़ के पंजाबी च बोल ले मूहरों अगला जवाब दिंदा कहिंदा भाई सति श्री अकाल मैं भी इधर ही हाँ फलौर कोल पिंड अपना पूरी दुनिया च तां बसे हुए हैं पंजाबी आपां सारे सो अज पंजाबी मां बोली दिवस मैं बधाई भी दिना सारिआं नूं ते अपील भी करदा कि अपनी मां बोली जिहड़ी आ उहनूं अखों परोखे नहीं करना कहा जाता कि जे किसी नूं असीस देनी होवे तां उहनूं कहा जावे कि तेरी उम्र लोक गीत जिहड़ी होवे तां इस तों वड्डी असीस नहीं मन्नी जाती क्योंकि लोक गीत अमर हुंदे ने लोक गीत कदे मरदे नहीं हुंदे ते जे किसी नूं बददुआ देनी होवे तां उहनूं इह कहा जावे कि जा तैनूं तेरी मां बोली भुल जाए ते मां बोली भुल गए तो वड्डी कोई बददुआ नहीं हो सकती बहुत सारे हैगे ने मैनू मिलते भी ने ओ या ओ मैं क्या पंजाबी च गल कर ला ये कुछ नहीं होना या ने निभना नहीं निभना पंजाबी नहीं है ठीक है ना सो साडा जिहड़ा सभ्याचार है बहुत अमीर है साडे कोले वैन साडे कोले खुशियां दीआं लोरियां तो लैके ब्याहां दीआं सिठणियां तो लैके मरन तक दे वैन भी साडे मतलब रिदमिक ने कि किस तरह सानू पंजाबी बोली ना जोड़ के रखा जाता है हुण आपां एवें कई बारी हो जाता रिक्शे वाले नू कर लिया भी चल भी रिक्शा लेके चल उत्थे जाके उन्हूं कहने हाँ भाई कितने पैसे ओ रिक्शे वाला कहिंदा जी 5 रुपये दिओ ते खड़ा छड्डो मेरा रिक्शे वाला पंजाबी बोली जाता हुंदा मूरू इधर कितने पैसे पता नहीं ऑटो लैंगुएज ते लगे हुए आपां मोबाइल वांगू चंगे भले दिल्ली नूं जाने आ कार च बैठे जां बस च बैठे पंजाबी बोलदे जाने आ जदों अंबाला टप जाने आप ही हिंदी च हो जाने पता नहीं क्यों शायद सानूं इह लगदा कि शायद हिंदी ज़्यादा समझदी होणगे शायद हुण आले दुआले हिंदी बोलनी पैणी नहीं हिंदी दी अपनी अपनी जगह पंजाबी अपनी जगह सो अज खास दिन है तो इस दिन तुहानू इस गल लई भी याद रहूगा कि मां बोली पंजाबी दा जिद्दे दिन सीगा उस दिन सानू कुर्सियां ते बह के पंजाबी च फाइलां ते हुक्म देण नू जां हुक्मां नू अगे जारी करन दा मौका मिलिया सी सो मैं तुहानू बधाई दिंदा एक वारी फिर बहुत बहुत बाकी सरकार तुहाडी अपनी है बगानी सरकार नहीं हैगी अपनापन इस करके है क्योंकि थोड़े चू ही हाँ सारे थोड़े वर्गे ही हाँ
इस करके अपना अपन लगता है कि पिंडां च ही आए हुए हैं, पिंडां च ही रहना, जड़ां अपनी जड़ियां ने वो मजबूत रखनी चाहिए। पंजाबी मां बोली मतलब जड़ां। तुसी देखो कालियां बोलियां नेरियां होंदियां ने बहुत, जिहड़े बहुत खड़का करते होंदे आ, थोड़ी जी हवा नाल सफजदे सफूदे जे, उस जदों नेरी हटदी आ उह सारे डिगे पए होंदे ने, क्योंकि उपरों रौला पाउंदे सी, थल्लों धरती नाल उहनां जुड़े नहीं होए सी। ते पिप्पल ते बोर्ड वह क्यों खड़े रहिंदे ने, जड़ां ने, वह जड़ां नाल जुड़े हुए ने, धरती नाल जुड़े हुए ने। बंदा जिड्डा मर्जी वड्डा हो जाए, जिड्डे मर्जी अहुदे लै ले, पर उहनूं पैर धरती ते रखने चाहिए। जिहड़ा रनवे है वह जहाज़ नूं उड्डण दा मौका दे दिंदा, उड़ाउंदा तां नहीं हैगा ना, उड्डण दा मौका दिंदा, उड्ड जांदा जहाज़, तो जहाज उपर जाके हंकार करन लग जाए, मैं तो बहुत उच्चा हो गया, रनवे तो बहुत थले रह गया, मैं इतों इहदी की औकात है। फिर रनवे कहना कोई गल नहीं वीरे, घंटे के तक उतरना भी है, फिर जे किते धरती नाल संपर्क रहूगा तो उतरूगा। जदों भी कोई प्लेन क्रैश हुंदा, जहाज डिगदा, खबर पहली ये आउंदी है 2:33 ते इहदा जमीन नालों राबता टुट गया सी। जिहदा जमीन नालों नाता टुट जाए वह किते ना किते फिर टुकड़िया ही थोड़ा हुंदा। तरक्की करन लई जिहड़े मर्जी मुल्क जाओ, थानू मौके मिलते हैं। दुनिया अजकल एक पिंड बन गई, पर नाल अपनी मां बोली, नाल अपना सभ्याचार, ते नाल अपना एटीकेट्स, अपने बजुर्गों द्वारा दिते हुए रस्मां, वो नहीं भुलनी। हुण देखो ये साइकल है, बथेरा बालोशाहियां बल जा हटे असी, बड़ी बड़ी होर ही तरह दी बर्फियां भी खा हटे, हुण ब्याहां दे कार्ड च आउण लग गए ना, फिर लड्डू उही मखाने उही नमकीन पकौड़ियां जी आउण लग गईआं ना, उही आ गए ना, मुड़िया ना, फिर कार्ड भी बथेरे असी होर ही अंग्रेजी छपा के देख ले, हुण छपन लग गए ना पक्षियां ते, पक्षी पक्षी का कार्ड बनाया जी, ठीक है ना, ते उही पुराने भांड्यां ते आ गए ना हुण, हवेली जा जिहड़े ढाबे ने उह की करदे, रोटी तो उही है, सब्जी भी उही है, भांडे पित्तल दे ने, पुराना कल्चर पित्तल दे भांड्यां च आपां पहलां बजुर्ग अपने रोटी खांदे रहे। जिद्दां मर्जी गेड़ा दे के आ जाओ, आउणा उत्थे ही पैणा, जिहड़े जगह ते जम्मे आ, जिहड़े माहौल च पले आ। सो इस करके मैं तुहानूं कहूँगा, जे अपने अपने पिंड छड्ड के किते होर जाके नौकरी करोगे, पर पिंड ना भुल्लो, पिंडां च जिहड़े यार दोस्त ने, पिंडां च जिहड़े तुहाडे चाचे ताए ने, उहनां नूं बहुत उम्मीदां हुंदियां ने, उहनां दा मुंडा भाई सरकारी नौकरी ते लग गया, उहनां दी कुड़ी भाई सरकारी नौकरी ते लग गई, चल वधिया भाई आपणे कोई काम हो जाया करनगे, उहनां नूं ऐं उम्मीद हुंदी है बस। जां फिर सरकारी नौकरी ते जदों इक पिंड चों लग जाए कोई, फिर दसना जरूर है तुसीं कि किवें किवें कागज़ भरी दे हुंदे ने, फार्म भरी दे, जे एक लग जाए 10 पिंड चों होर आ जाणगे, नहीं पता उहनां नूं फार्म भरन दा जां किहड़ी किताब पढ़नी है, किहड़ा टैस्ट कित्थे हुंदा, दस दो, फैले विद्या चानण होए, जरूर दसो। गुरु नानक साहब जिस वेले उदासियां कर रहे सी, ਉਹ ਇਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਸਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 36 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ, ਵੀ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਣ ਦਾ ਦੇ ਤਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ, ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਉਜੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਆਹੀ ਨੀਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਜੜ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਡੇੜੀਆਂ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਹੀ ਜੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਇਆ ਨੇਪਾਲ ਭੂਟਾਨ ਤਿੱਬਤ ਇਰਾਕ ਤੱਕ ਬਗਦਾਦ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵੇਲੇ GPS ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 35 ਸੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਫੇਮਸ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿੰਨੂ ਕਰਮਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਰਣਵੀਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੂੰ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਜੁਗਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਧਰ ਪਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੈਸਟਾਂ ਸੀਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆਤਾ ਐਡੂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਛਾਵਾਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਧਨੀ ਹੋ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫਰਕ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਕੂਨ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸਕੂਨ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 50 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿਓ ਜੀ 100 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅੱਜ 85 ਰੁਪਈਏ ਹੈ ਦਿਨਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 140 ਹੈ ਸਕੂਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ